हेलो स्टूडेंट्स, मैं हजारी सर आपके लिए इंग्लिश के अंतर्गत ग्रामर टेंस के बारे में आज पढ़ाने जा रहा हूँ। यहाँ पे देख रहे हैं आज टेंस। टेंस यानी होता है काल, जो भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, जो हम क्रिया करते हैं, पूर्ण करते हैं, अपूर्ण करते हैं, उसी को हम काल कहते हैं। काल को दो भागों में बढ़ा गया है, इनकम्प्लीट टेंस, दूसरा है कंप्लीट टेंस। इनकम्प्लीट टेंस को बोलते हैं अपूर्ण काल, कंप्लीट टेंस को बोलते हैं पूर्ण काल, जिसमें क्रिया पूर्ण होती है। इनकम्प्लीट टेंस के अंतर्गत दो भाग है, बी टेंस, हैव टेंस। बी टेंस यानी होना होता है, हैव टेंस यानी पास में होना, के होना, हफ होना। कंप्लीट टेंस में भी चार भाग होते हैं। पहला भाग है सिंपल टेंस, जिसको हम साधारण काल कहते हैं। दूसरा है कंटिन्यूस टेंस, जिसको हम लगातार काल करते हैं। तीसरा है परफेक्ट टेंस, जिसको हम पूर्ण काल कहते हैं। चौथा है परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, यानी पूर्ण लगातार काल। तो ये हो गए, दो भागों में हमने बांट लिया, एक इनकम्प्लीट टेंस, दूसरा है हमारा कंप्लीट टेंस। तो हम आगे बढ़ते हैं इनकम्प्लीट टेंस के बारे में। तो इनकम्प्लीट टेंस यानी होता है अपूर्ण काल। इसकी पहचान कैसे करेंगे? इनकम्प्लीट टेंस में किसी भी प्रकार की एक्शन को प्रकट नहीं करता है, यानी इस टेंस में किसी भी प्रकार की एक्शन या क्रिया नहीं होंगे, तो उसी को हम इनकम्प्लीट टेंस कहते हैं। अब इनकम्प्लीट टेंस में हम लेते हैं बी टेंस। बी टेंस यानी होना, इसकी पहचान कैसे करेंगे? बी टेंस में ऐसे सेंटेंस पढ़े जाते हैं जिसमें कर्ता के गुण, विशेषता या स्थायी भाव को दर्शाया जाता है, यानी बी टेंस में उसके विशेषता, गुण और स्थायी भाव को दर्शाया जाएगा, उसी को हम बी टेंस कहते हैं। बी टेंस के भी तीन भाग होते हैं, बी प्रेजेंट टेंस, बी पास्ट टेंस, बी फ्यूचर टेंस। हम पहला टेंस लेते हैं बी प्रेजेंट टेंस, यानी होता है वर्तमान काल में। इसकी पहचान कैसे करेंगे? वर्तमान काल में हिंदी के वाक्य रचना के अंत में, जो हिंदी का हमारा वाक्य रहेगा, उसके अंतर है, वो आता है, तब वो हम बी प्रेजेंट टेंस कहलाता है। जैसे कि हमारा जो हिंदी का जो वाक्य लेंगे हम, उसके अंत में जो आएगा उसी को हम है, वो जो आएगा उसी को हम प्रेजेंट टेंस कहलाएंगे। बी प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत पहला चार सेंटेंस होते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेकंड टाइप सेंटेंस। तो हम पहला सेंटेंस ले रहे हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी होता है सकारात्मक वाक्य। तो इसका फॉर्म जो होता है, आप देख रहे हैं, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडिशनल। सब्जेक्ट यानी होता है कर्ता, इज एम आर जो प्रेजेंट टेंस का है वो को दर्शाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट यानी अपन देख रहे हैं अफर्मेटिव सेंटेंस के अंतर्गत फॉर्म सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एडिशनल। सब्जेक्ट यानी कोई कर्ता रहेगा और इज एम आर जो प्रेजेंट टेंस, बी प्रेजेंट टेंस के को दर्शाएगा, है वो को, प्लस ऑब्जेक्ट यानी जो कर्ता के पीछे जो लगता है उसको अपन ऑब्जेक्ट बोलते हैं, प्लस एडिशनल। अब ई एम आर का प्रयोग हम कैसे करेंगे? सब्जेक्ट को सब्जेक्ट के बाद ई एम आर कैसे लगाएंगे? इज जब सब्जेक्ट एक वचन रहो, एक वचन हो, जैसे ही, शी, इट, या किसी पर्सन का नाम रामू, तो उसके साथ हम इच का प्रयोग करेंगे। एम का प्रयोग कब करेंगे? जब कर्ता आए हो, सब्जेक्ट आए हो, तब हम एम का प्रयोग करेंगे।
आर का प्रयोग कब करेंगे? जब जब बहु जब दे आ दे यू वी स्टूडेंट्स ये बहुवचन में आते हैं तब हम आर का प्रयोग करेंगे। तो इसके अंतर्गत हम यहाँ पे सेंटेंस लेते हैं, यहाँ पे सेंटेंस लिखा है वह अच्छा लड़का है, वह अच्छा लड़का है, वह क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। ये क्रिया बता रहा है यह वर्ब होंगे, ये सब ऑब्जेक्ट होंगे। तो हम फॉर्म के हिसाब से यहाँ पे बता रहे वो अच्छा लड़का है। ही क्या हो गया? सब्जेक्ट। ही इज गुड बॉय है, वो इज ही के साथ इज लगा, ही इज गुड बॉय। तो हम इसको कैसे बोलेंगे? इंग्लिश में बोलना चाहेंगे तो ही इज गुड बॉय। दूसरा सेंटेंस लेते हैं, वे ईमानदार है, वे ईमानदार है, वे के लिए दे लेते, वे यानी होता है दे। तो दे बहुवचन है, उसके साथ हमने आर लगाया, दे आर ऑनेस्टी, ऑनेस्टी यानी ईमानदार। तो हम वे ईमानदार है उसको बोलेंगे दे आर ऑनेस्टी। तीसरा सेंटेंस लेते हैं, सूर्य गर्म है, सूर्य कैसा है? गर्म है। तो हम उसको इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करते हैं? द सन इज हॉट, द सन इज हॉट। तो अगला सेंटेंस लेते हैं, मैं विद्यार्थी हूँ, मैं विद्यार्थी हूँ। तो उसके लिए मैं के लिए हमने आई लिया, आई एम स्टूडेंट, विद्यार्थी के लिए स्टूडेंट। तो अगला सेंटेंस है, मोदी जी प्रधानमंत्री है, मोदी जी इज प्राइम मिनिस्टर। तो इसी के अंतर्गत ये आज अपना टॉपिक है अफर्मेटिव सेंटेंस बनाया अपन ने सिंपल तरीके से, सिंपल तरीके से हमने सेंटेंस बनाया है। और अगले वीडियो में हम अगले सेंटेंस लेंगे नेगेटिव सेंटेंस इंटरगेटिव। तब तक के लिए धन्यवाद।